Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss important topics and important questions in research methodology. Those who are doing last moment studies, this video is only for you. एंड गाइज, अगर लास्ट नाइट आप स्टडी कर रहे हो एग्ज़ाम से पहले, तो आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप प्रिपेयर करके 90% सिलेबस को कवर कर पाओगे. उसमें से फर्स्ट आ जाता है टॉपिक ही क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी. तो फर्स्ट रिसर्च का मतलब, रिसर्च का मीनिंग, स्कोप एंड पर्पस आपको पता होना चाहिए एंड लिमिटेशंस, ठीक है. सेकेंड आ जाता है इसमें यूनिट ऑफ एनालाइजिस. थर्ड आ जाता है इसमें रिसर्च प्रोसेस. सो रिसर्च प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये हर बार क्वेश्चन आता है. फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड. फिफ्थ, क्वेश्चनिंग डिज़ाइन. सिक्स, सैम्पलिंग डिज़ाइन. सेवन्थ, रिपोर्ट प्रिपरेशन. एंड एट्थ, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. नाइन्थ, कंप्यूटराइज्ड डाटा एनालिसिस. एंड टेंथ, मेजरमेंट स्केल. सो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपका 80-90% सिलेबस कवर करता है. एंड अगर आप लास्ट नाइट स्टडी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टर्न आता है. मैंने यूनिट वाइज लिखे हैं क्वेश्चंस. इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ रिसर्च इंपॉर्टेंस एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च. सो आपको रिसर्च के बारे में सब पता होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस एडवांटेज लिमिटेशंस, राइट. एंड क्वेश्चन सेकेंड आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च हो या रिसर्च हो, सेम है. एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. व्हाट आर द, फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कॉजल डिज़ाइन. कॉजल डिज़ाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पढ़े होंगे ना आपने रिसर्च डिज़ाइन, उसमें आता है कॉजल डिज़ाइन. थर्ड पॉइंट है, मैंने एक्सप्लेन करा अपनी वीडियोज में, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो. क्वेश्चन फिफ्थ आता है, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, राइट इट्स प्रोसेस एंड टाइप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाता है, डिस्कस इन डिटेल द बेसिक इशूज एड्रेस्ड इन रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है. क्वेश्चन नंबर एट आ जाता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के एंड MBA एंड BBA वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये रिसर्च मेथोलॉजी के जिसके पास सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट का पढ़ते हैं. यूनिट सेकेंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन डाटा कलेक्शन एंड इट्स टाइप्स मैथड्स टूल विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन सेकेंड आ जाता है, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग. एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशंस इन डिटेल, वैलिडिटी डिटेशंस, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड ट्यूबुलेशंस. क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, डिफाइन सेकेंडरी डाटा, स्टेट देयर चीफ सोर्सेज एंड पॉइंट आउट द डेंजर्स इन्वॉल्व इन देयर यूज एंड द प्रिकॉशंस नेसेसरी टू यूज दैम, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल. क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है, डिफरेंशिएट प्राइमरी डाटा फ्रॉम सेकेंडरी डाटा. यूनिट थर्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज क्वेश्चनियर, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेसेस इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर. व्हाट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटीट्यूड एंड एटीट्यूड मेजरमेंट. एंड डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, विच इज़ द बेस्ट सुटेबल टू मेजर एटीट्यूड, वाई एंड गिव एग्जाम्पल. सो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके पीछे भी हैं कुछ. डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिकर्ट स्केल. व्हाट इज द सेमेटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है. तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन. फिर यूनिट फोर्थ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है, डिफाइन द टर्म सैम्पलिंग. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड गिव इट्स डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, लिस्ट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. एंड फोर्थ आ जाता है, लिस्ट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. व्हाट इज़ द फोकस्ड ग्रुप सैम्पलिंग. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन टी टेस्ट विद एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर सेवन, describe factor analysis. And question number 8, explain concept of NOVA test.
सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.